आज कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है फ्रोजन पराठे। आज हम आप लोगों को फ्रोजन पराठों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रेसिपी शुरू इस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर हम आपको रेसिपी स्टार्ट करना बताते हैं कि हम लोगों को रेसिपी में क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ हमारे पास आधा किलो मैंने फाइन आटा लिया है, इसकी जगह आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। मैं फाइन आटे से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। आधा कप हमने घी लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1/4 कप हमने कंडेंस मिल्क लिया है, 1/2 टीस्पून हमने ईस्ट लिया है और 1 अंडे की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं, जो हम बाजार से लेकर आते हैं फ्रोजन पराठे उसी तरीके से होंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें ईस्ट डालेंगे, 1/4 कप हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आप लोगों को स्वीटनेस अच्छी लगती है तो आप लोग 1/4 कप का इस्तेमाल करें, वरना आप 2 टेबलस्पून के करीब भी डाल सकते हैं। और अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून चीनी भी डाल सकते हैं। इसके डालने से बहुत ही जबरदस्त ये हमारे पराठे बनते हैं। आधा कप हम इसमें घी डाल देंगे, सब कुछ हम मिक्स कर देंगे, बहुत ही झटपट और बहुत ही जबरदस्त ये पराठे तैयार होंगे। अंडा भी हमने तोड़ लिया है, अलग बर्तन में तोड़ा करें ताकि पता चले कि अंडा अगर खराब है तो सारी चीजें हमारी खराब ना। अब इन चीजों को, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखें इतना अच्छा ये बाइंड हो गया है, मगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे गूंदेंगे। ये देखें हमने अच्छी तरीके से आटे को गूंद लिया है और इसका प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा। में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो राइस होता है, मगर इसका जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा ईस्ट डाला है और इसे हम 10 मिनट ढक के रखेंगे। आटा हमारा बहुत अच्छा, ये देखें बहुत अच्छा आटा हमारा ये गूंदा है, ये देखें। अब इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मसलते हुए इसे हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है वो मैंने आपको बताना है बाद में। आटा हमारा सेट हो गया है। पेड़े बनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने जो फ्रोजन पराठे रखने हैं वो किस तरीके से रखने हैं। ये मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को मैंने कुछ इस तरीके से गोल गोल करके काट लिया है, ये हमने बनाए हैं पहले। फिर उसके बाद जिसमें हम लोगों ने पराठे रखने हैं वो पॉलीथीन बैग हमने इस तरीके से लेना है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से ये प्लास्टिक शीट आती है इसमें भी पराठे रख सकते हैं। मैं इस तरीके से रखती हूँ इसमें, तो मैं ये तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो चले हम इसको एक साइड पे रखते हैं और फिर हम पराठे बनाना आपको बताते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब इसके हम अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करेंगे, इसे एक तरीके से हम गूंद लेंगे। और इसमें कोई हमें ऊपर से तेल वगैरह या घी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज इसके अंदर डाल दी है। आप लोग इसे मैदे से भी बना सकते हैं, फाइन आटे से भी बना सकते हैं। होममेड बनाने का यही एक फायदा होता है कि हम अपनी मर्जी से चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो गई है, अब हम इसको अच्छी तरीके से बेलेंगे। एक ही पेड़े को हमने अच्छी तरीके से पतला सा बेलना है, अच्छी तरीके से। देखें मैं हाथों की मदद से फैला रही हूं, ना हमने इसमें तेल लगाना है और ना ही हमने कोई खुश्क आटा छिड़कना है। बहुत ही जबरदस्त ये पराठे आप लोगों के बनेंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ बहुत ही इजी है। आप लोग आम दिनों में बनाएं, रमजान में बनाएं या बच्चों के लंच में डालकर दें, बहुत ही जबरदस्त ये पराठे बनेंगे। और इसकी हमने पतली सी रोटी बनानी है। अच्छे तरीके से देखें हमने चारों तरफ इसको बेलन की मदद से एक जैसा हमने बेलना है। जितना हम पतला इसको बेलेंगे इतने ही इसमें जो हम रोल कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। और ये बहुत आसानी से ये पराठे बनते हैं और ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाजार से लेकर आते हैं पराठे, उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, मिठास होती है। आप लोग मीठे बनाना चाहें तो जो मैंने कंडेंस मिल्क आपको 1/4 कप बताया आप उतना डाल दें, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कम कर सकती हैं।
ये बच्चों को बहुत ही मजे के लगते हैं और चाय के साथ तो ये बहुत ही मजे के लगेंगे आप लोगों को पराठे। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इतनी बड़ी रोटी बेल ली है। अब हमें इसको रोल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको रोल करेंगे। कोई हमने घी तेल या खुश्क आटा वगैरह नहीं लगाना, इसी तरीके से हमने इसको रोल करना है। ये देखिए मैंने रोल बना लिया। थोड़ा सा हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा रोल बन गया। अपनी मर्जी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे, जितने बड़े छोटे हमने बनाने। अब हम इसके देखें इस तरीके से हम छोटे बड़े जैसे आप लोगों ने बनाने हैं इस तरह हम काट लेंगे। अब इस तरीके से हम इसे ऐसे दबाएंगे और ये हम अपने जो पेड़े हैं वो तैयार कर लेंगे। देखें कितने आसानी से हमारे बन गए। दरमियाना साइज रखेंगे ताकि हमारा वेस्ट भी ना हो, और अगर हम छोटे बनाएंगे तो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये देखें 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको बेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने कोई तेल या खुश्क आटा नहीं लगाना, इसी तरीके से हमने इसे बेलना है। चारों तरफ एक जैसा बेलें, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। और ये देखें आटा इतना अच्छा हमारा गूंदा है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। ये देखें और ना ही ये चिपक रहा है। ये देखें मैंने पराठा बेल लिया और एक मैंने ट्रे लिए बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट हो बर्तन, जिस पे हम ये पेपर अपना रखें ताकि जो हम पराठे इस पे रखें तो हमारे स्ट्रेट ही रहें। ये देखें इस तरीके से हम पराठा रखेंगे। अब एक और पेपर मैं इसके ऊपर रखूंगी। अब दूसरा हम यहाँ से पेड़ा उठाएंगे और इसी तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से पहले हाथ से दबाऊंगी और उसके बाद मैं बेलन की मदद से इसको शेप दूंगी, गोल शेप दूंगी। इस तरीके से मैं सारे पराठे बनाऊंगी। ये एक पराठा मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। ये दूसरा ये हमने पराठा अपना बेल लिया और इस तरीके से इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और ये देखें बिल्कुल एक जैसे हमारे पराठे बनेंगे इस तरीके से। अगर आपको लगे छोटा बड़ा है तो अपने हाथों की मदद से भी आप कर सकती हैं। और इसको फिर हम बटर पेपर लगाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूं फिर आपको दिखाती हूँ। सारे पराठे हमने बेल लिए हैं। ये एक जो लास्ट का है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इस तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको फैलाना है और ये इस तरीके से बेलन से हमने अच्छी तरीके से इसको बेलना है और बिल्कुल स्मूथ एक तरह से होना चाहिए चारों तरफ से। ये भी पराठा हमने बना लिया और ये देखें सारे पराठे मेरे जो हैं वो इक्वली बने हैं, कोई छोटे बड़े या कुछ भी नहीं है। ये देखें इस तरीके से हमने रखे और ये पेपर हमने रख दिया। ये देखें पराठे हमारे तैयार हो गए। अब हमने इस तरीके से अब ये मैंने एक बैग लिया है जो ये जिप लॉक बैग है। इसमें हम इसको पराठों को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरह से इसे रखेंगे। और हमने जो बर्तन में जिस बर्तन में रखना है वो फ्लैट हो ताकि जो ये पराठे हैं वो बिल्कुल हमारे इक्वली फ्रीज हो। ये देखें इस तरीके से हम इसको फ्रीज में रखेंगे। फ्रीजर में हमने इसको रखना है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ। और आइंदा रेसिपी में, आने वाली रेसिपी में, मैं इसको पकाने का तरीका भी आप लोगों को बताऊँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।